सर, मैं हूं प्रतीक सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। हमारे साथ मांडर विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी हैं। भाषा विवाद और स्थानीय नीति को लेकर पूरा राज्य जल रहा है, सत्ता में है, क्या कहेंगे आप? नहीं, राज्य जल रहे हैं। देखिए, स्थानीयता का लड़ाई राज्य निर्माण के बाद हमसे ज़्यादा कोई लड़ा है। 7-7 बार मैं जेल गया हूँ। पूर्व की सरकार, रघुवर दास की सरकार के द्वारा जो स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया है, जिस तरह से परिभाषित किया गया है, उसमें बाहरी लोगों को के लिए स्पेस छोड़ दिया गया। इसलिए पूर्व की सरकार, रघुवर दास के समय जो स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया था, उसको अविलंब उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो त्रिस्तरीय जो कमेटी बनी है, मामला जो अभी विचाराधीन है, एक समय सीमा के अंतर्गत, अब इसको ज़्यादा दिन नहीं लटकाना चाहिए, बहुत तेज़ी से एक समय सीमा के अंतर्गत इसको परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। और जब तक परिभाषित नहीं होता है, तब तक जितनी भी नियुक्ति है उसको रोक लगा दी जानी चाहिए। अगर नियुक्ति की बात करें, सहायक पुलिसकर्मी हो, जेपीएससी हो, जेसीएससी हो, युवा सड़कों पे आप लोग नौकरी देने की बात की थी। पुलिस के बारे अभी अभी मैंने मुख्यमंत्री, चूँकि मैं उनका स्ट्राइक तोड़वाया था, अभी बात किया हूँ, उस दिशा में कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस पर आपका परिणाम सामने आ जाएगा। जेपीएससी हो, जेसीएससी हो, या युवा जो हैं सड़कों पे हैं नौकरी को लेकर, जेपीएससी तो एक तरह समझिए झारखंड के लिए कोड ही है। आज तक कोई भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ वो कोर्ट का शरण लेना। देखिए, इन चीज़ों को सरकार, कैबिनेट, जो लोग मंत्रिमंडल में है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों में जो दाग नुमा दाग लगा है, इन तमाम चीज़ों पर सरकार को पूरा गंभीरता से देखते हुए उसको, इनको, ये दाग को मिटाने का प्रयास और आम लोगों में विश्वास जीतने के दिशा में काम किया जा रहा है। अंतिम सवाल, भाषा विवाद को लेकर, भाषा को लेकर तो बात चल ही रही है, लेकिन प्राइमरी स्तर से हायर स्तर तक पढ़ाई के लिए कोई टीचर नहीं है? नहीं, इसके संबंध में जो 9 मान्यता प्राप्त भाषा हैं, 5 जनजातीय भाषा और 4 आपके क्षेत्रीय भाषा, तो इन तमाम चीज़ों में प्राइमरी स्तर से लेकर आपका ग्रेजुएशन तक, पीजी तक इसकी पढ़ाई हो, इसके लिए सरकार को शिक्षक रहेंगे तब ना। तो इसी के संबंध में सरकार को शिक्षक क्यों नहीं, बहुत बेरोजगारी लोग, सरकार चाहेगी तो शिक्षक आ जाएंगे। सरकार को चाहना, वो इच्छा शक्ति रखना होगा। सत्ता में तो आप ही हैं। नहीं, सत्ता की बात नहीं, सत्ता की बात नहीं, हम सत्ता में है, हम गठबंधन की सरकार है, कैबिनेट में इन तमाम चीज़ों को बात करनी चाहिए। जैसे आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली बात, ये सबके जहन में रहता है, जो हम कहते हैं, जो कुछ चीज़ें हैं, इच्छा शक्ति का बात होना चाहिए। मेरा पार्टनर कहाँ है? इरफान अंसारी। कहाँ मेरा पार्टनर आ रहा है? क्या उनके बीच में हम क्या बोलेंगे? उन्हें रहेगा तो भाषा विवाद को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से राज्य पूरा जल रहा है? ये तो हेमंत सरकार की सोची समझी रणनीति है, और हेमंत सरकार जनता के जो मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता में आई, जितने भी तरह का मांग सरकार ने रखा था, घोषणा किया था सरकार ने कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 5 लाख नौजवानों को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो कुछ तो सरकार ने दिया नहीं। अब ये भाषा विवाद करके सरकार राज्य को, जनता को उलझा रही है। तो भाई, अब नियोजन नीति आपने रद्द कर दिया, पूर्व की सरकार की नियोजन नीति में हम लोगों ने 1985 को कटअप डेट बनाया था, आपने रद्द कर दिया, तो आप कौन सी नियोजन नीति लाना चाहते हो? अब लाओ, आप कह रहे हो कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम मंत्री का कमेटी बना रहे हैं, तो कब कौन कमेटी बनाओगे? आज तो सरकार तो आलमगीर साहब जवाब नहीं दे पाए। तो ये तो है, सरकार को करना नहीं है, सरकार को उसे उलझा कर राज्य को चलाना है। भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को लेकर जिस तरह से हटाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार को निर्णय लेना है, सरकार ने हटाया था, सरकार ने रखा है, सरकार को निर्णय लेना है। हम लोग का जब सरकार था, हम लोगों ने निर्णय लिया था, ये सरकार को क्या निर्णय लिया, सरकार तय करेगी, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। सरकार इस तरह से विरोध करना चाहिए, लगता है कि विपक्ष विरोध नहीं कर रही है अभी तक, आपको नेता प्रतिपक्ष तक नहीं मिला है? नेता प्रतिपक्ष तो हम लोग बाबूलाल मंडी जी, हम लोगों ने कभी चुन लिया है। सरकार भाजपा से डर रही है, इसलिए बाबूलाल मंडी से सरकार डर रही है, इसलिए पीछे हट रही है।